दर्शकों को मकर संक्रांति हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। मैं पहुंचा हूं इस समय पर हमने महाराज सामने देखो बताया था कि हम लोग अभिषेक महाराज आनंद लेंगे। तो हमारे साथ पूरी टीम हमारे साथ हमारे भैया महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे भैया सर जी अमित सर जी और जीतू भैया जी मनमोहन भैया जी हमारे तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं। जरा देखिए पूरा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखते लगातार देख रहे बड़ा एंजॉय। अभी हम बात करेंगे नौका बिहार में हमारे बैठे हुए सभी लोगों से कैसा लग रहा है हमारे कुटुंब। देखिए कितना बढ़िया गाड़ी चला रही है। क्या नाम है आपका? देखिए हमारे साथ हरिभक्त जी हैं जो कि लगभग बहुत ही अच्छे चालक हैं। मैं अपने कैमरा मैन से चाहूंगा कि यहाँ थोड़ा दिखाइए हमारे महाराज जी जुड़े हैं। महाराज जी अपना शुभ नाम दर्शकों को बताइए, पूरा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? अभिषेक चतुर्वेदी ग्राम रुपयाई से जो कि यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मेला लगता है और जो है बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बैतमा में जो है बहुत ही आनंद का वो है और पद्मनी नाम से जो जगह है पद्मनी नाम से विख्यात है जो की एक रानी थी यहाँ पे किसी राजा ने जो है उस पर चढ़ाई कर दी गई थी इस कारण से की जगह पे वो जो है समाप्त मतलब डूब गई थी समाप्त हो गई थी उसे का नाम पदम नहीं पड़ा। बैतमा नदी है बहुत ही आनंद की बहुत ही आनंद प्राप्त। अभी जो है आप नौका बिहार कर रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया आनंद की वो हो रही है बहुत ही आनंद आ रहा है बहुत ही आनंद। देखिए जैसा कि महाराज ने बताया कि बहुत ही आनंद आ रहा है नौका बिहार में। हमारे साथ हमारे बड़े भैया हमारे सर जी रोजगार सेवक हमारे भैया अमित जी जो अमित सर जी जुड़े हुए हैं। भैया बात करते हैं सर जी से। सर अपना पूरा नाम दर्शकों को बताते हुए बताइए कैसा लग रहा है कैसा महसूस हो रहा है? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं ग्राम पंचायत लुधियाई से हूँ और ये हमारी ही ग्राम पंचायत के मजरा भरहटा में ये पद्मनी स्थल शंकर जी मंदिर स्थित है जिसपे भारी संख्या में आज भीड़ लगी हुई है। संक्रांति के उपलक्ष्य में हर साल मेला लगता है यहाँ पे और आज हम अपने सारे मित्रों के साथ बच्चों के साथ बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं घूमते हुए पद्मनी धाम पर और पद्मनी माता की कृपा हम सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे इसी तरीके से सभी लोगों का साथ रहे। जी आप जो है इस समय नौका बिहार का आनंद ले रहे हैं तो दर्शकों से क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे आप? दर्शकों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हमारे शंकर जी मंदिर और पद्मनी धाम पर लगाव बना रहे आप लोगों का और आप लोगों को आनंद यही प्राप्त होता रहे इसी तरीके से सभी लोग इस उपलक्ष्य में इकट्ठे होते रहे हमें बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने सुना हमारे सर जी के मोहसे के उन्होंने बताया कि बहुत ही आनंद जैसा हम आनंद ले रहे हैं आप लोग भी आनंद लें। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ऐसा मेला ना भूलें बहुत ही अच्छा मेला लगता है पद्मनी धाम पर। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हैं जो कि आप सुन पा रहे हो आवाज आपके पास आ रही होगी श्री रामधुन की आवाज उसकी समती के हमारे भाई बहुत ही अच्छे सक्रिय लोग हैं। जरा उनसे बात करते हैं। भैया जी भैया क्या नाम है आपका पूरा? भैया हमारा जीतू यादव नाम है। अच्छा भैया कहाँ से हो आप? ग्राम लुधियाई। भैया ये जो रामधुन का कार्यक्रम हो रहा है कितने सालों से हो रहा है लगभग यहाँ? ये 23वीं वर्ष है। अच्छा 23वीं वर्ष है। ये कितने मतलब समय के लिए बैठारी जाती है रामधुन? क्या 48 घंटे के लिए। अच्छा आप लोग जो है इसमें मतलब क्या क्या किस तरीके की तैयारी करते हैं कैसा आपको महसूस हो रहा है ये 23 सालों से आप लगातार करते आ रहे हैं रामधुन का कार्यक्रम? हम भोलेनाथ की कृपा है जी और राम भजन होता है तो सभी को आनंद आता है। अच्छा दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ जो रामधुन का कार्यक्रम होता है तो उनको भी इसका आनंद लेना चाहिए क्या है ऐसा? को आनंद ही लेना चाहिए सभी को भाग लेना चाहिए इसमें जी। सब भाग लेंगे तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। चलिए दर्शकों जैसा कि सब लोगों के आपने सुना बहुत ही अच्छा हमारे साथ एक बच्ची भी जुड़ी है जरा बात चले बेटा धराइए। अरे वो शर्मा रही है तो हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो वो बताएंगे। देखो हमारे साथ एक छोटा सा भैया अपना थोड़ा है आनंद से बात करो आनंद कैसा लग रहा है आप जो अच्छा लग रहा है तो अपनी दिल में बात करो बड़ा आपको कैसा लग रहा है यहाँ का? एक मिनट और आपने छोटी छोटी उनको क्या कहना चाहोगे? उन्हें भी नौका बिहार करना चाहिए?
चलो बेटा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम यहाँ पर दूसरी बार। चलिए दर्शकों, जैसा कि देखा पड़ा है यहाँ मनमोहक दृश्य, बच्चे भी बड़े खुश हैं। उनका कहना है कि भाई सब लोगों को मौका मिलना चाहिए नौका विहार करने का। इसी के साथ आप सभी को नौका विहार और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः देते हुए, शिव भोलेनाथ का आपके ऊपर कृपा बनी रहे, ऐसा ही हमारे जो हमारे साथ सब लोग घूम रहे हैं उसको बार बार मौका मिले। इसी के साथ जय भोले।